दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव है और किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा बना हुआ है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का क्या अस्तित्व होगा, इसको लेकर बड़ी चिंता इस समय मीडिया में चल रही है। और एक बात ये भी है, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और उधर राकेश टिकैत अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। और इस समय हम बागपत पर हैं। बागपत का बड़ौत एक कस्बा है जहाँ पर कुछ हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं और सीधे इनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले विधानसभा में आखिरकार अगर बागपत की बात करें तो क्या माहौल होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है? दिग्विजय सिंह तोमर। तोमर साहब ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, खासकर बागपत की बात करें? 300 से ऊपर नहीं बागपत को छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो, बीजेपी की सरकार बनेगी। राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठे हैं, कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन है राकेश टिकैत? टिकैत है कौन? उधर डकैत है, 3 बीघे जमीन सब है, 450 करोड़ का मालिक बन गया। उसके बाप लड्डा ने कमाए थे क्या? डकैती गेर का कमा रखे उसने, बताइए मुझे। उधर रब्बू गुलिया बच्चा वहाँ है क्या उसका किस्सा? लेकिन एक साल से बैठे हुए हैं। उसका बाप यहाँ से बड़ो सब आज गया था, सर्व समाज की पंचायत हुई थी, आज वो दल्ला बच्चा वहाँ कमा का खाता ना, दिल्ली पुलिस की नौकरी करता, कहीं को बच्चा वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ रहा, 16,000 क्विंटल गंडे का उसका गेरा का मील पे कहाँ से आ गया? और किसानों का तो पैदा ना होता इतना, उसका कौन सा मील लग रहा पैदा करने का? लेकिन एक बात कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है, अगर मीडिया की बात 80% जाट बीजेपी में जाएगा और है 60% तो है, 20 और बच जाएगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने अपना दिल खोल के बात कही, किसानों से कहला अपने घर वापसी जाइए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे फालतू और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी आंदोलन तो चल ही रहा ना? आंदोलन कहाँ है, पैसों के लिए दलाल लिया भाई साहब, कोरी बताइए कहाँ है? अब MSP चाहिए किसान को, MSP कुछ भी हो भाई, न दलाली चाहिए, दलाली ले दो ये भी उठ जाएगा, बता कौन से धरने पे था बताऊँ? 1987 में इसके बाप ने लिए थे मेरठ से, फिर इन्होंने दिल्ली से लिए, जहाँ दो मेरे है क्या, ये बताओ है क्या, कौन सा राकेश टिकैत? अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं कि का? भाई साहब कहीं का नेता बताओ, नेता तो जो होता है जो गरीबों को सहायता करता है, दे देगा किसी को 1 करोड़ रुपए अपने घर से लगा देगा 10 रुपए, खाने वाला आदमी किसी के ऊपर पैसे खर्च नहीं करता। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर पश्चिम की बात करें, RLD का गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, क्या फर्क नहीं समझ में आता? गोल टोपी हो जी नहीं जा, गोल टोपी नहीं हो जी जा हमारे पे, सन 2013 में देख लिया था हमने, गोल टोपी हमारे पे नहीं हो जी जा। अच्छा। जिस हाँ जो से ओढ़ने वाले हैं वे चले जाएंगे होंगे, जो प्योर हिंदू है वो यहाँ रहेगा। अच्छा, यहाँ रहेगा, क्या नाम है सर? भाई बोल, क्या नाम है सर? सुनील पहलवान। पहलवान साहब आपकी बॉडी पर्सनालिटी तो अच्छी है, चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं? चुनाव अच्छा है, यहाँ से यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, ना किसानों को ना जवानों को ना आम आदमी को, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। लेकिन धरना तो चल ही रहा है एक साल। धरना तो चल ही रहेगा, धरने के नाम के तो पीछे लेन के नाम के बैठे हुए, वे धरने के नाम के बैठक रहे नु जी, मोदी साहब ने कह दिया, फिर भी कई दिक्कत रही उसमें कुछ भी ना, अभी तो धरना दलाली के उसमें चल रहा। अब तो कहते हैं MSP चाहिए, MSP को लेकर ये चाहता ही नहीं, इन्हें पीछे चाह पीछे दे दो तो गल ठीक हो जाएगी, टिकट की भी मतलब टिकट दे दे और पैसा दे दे, इन्हें कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ सब फिटेगा कुछ नहीं, ये सब किसान ही तो है, हम भी तो किसान के सब किसान के ही बच्चे हैं, हम भी वो है, हम तो नौजवान है, सब चीज़ यहाँ देखी बाली, सब चीज़ करनी धरना सब कुछ हमें ही है। जब हम पूछते हैं उनसे तो कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या माहौल है वहाँ पर। दिक्कत नहीं, माहौल जो बांधने चाहिए तो कह जा, जो करत है जो धरती है उसका करे जी भी तो पता लगे, हम ही तो नौजवान करे इसमें, हम करिए धरना तो दे रहे, जो कर दे रहे वे वो लोग कौन बैठे, वो भी तो एक साल से बैठे ही है ना, वे तो वहीं बैठे हुए फिल्म बना रहे वहाँ बैठे बैठे, जो बांधने का थोड़ा वो कुछ यहाँ तो करे तो हम है नौजवान है जो उनसे बैठे पीछे लेकर बैठे रहे वहाँ। अच्छा। अतना जी सब चीज़ खत्म होगी, कहे का मुद्दा है, ये तो चुनाव आ रहे हैं इसके मेरे मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा आ रहा है, क्या देख रहे हैं सर, क्या नाम है? ज्योति तोमर, बडुल्ली। तोमर साहब कहते हैं जाट नाराज है। बस जाट नाराज इसलिए है जो MSP मांग है, जो 3 बिल पास हुए इनकी वजह से परेशान है, पक्का तो जब माने जाएगा ना संसद की ये चलेंगे शीतकालीन सत्र, उसके बाद जो ये पक्का करके देंगे ना कागज में वही तो मान लेंगे, वैसे कोई बोल दे कि हमने वो कर लिया तो वो तो नहीं मान्य होगा।
तो खड़े हैं वो इसी के सामने, वक्त हमका कोई सहारा नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री का कहना जरूर मानेंगे, बड़े है वे हमारे सामान्य है मान लेंगे, लेकिन लिखित में दोनों। अच्छा आपको लिखित में चाहिए? हाँ, लिखित। अगर लिखित के बाद भी नहीं उठे तो फिर क्या करें? लिखित के बाद क्या रहे जगह, जब लिखित में पास हो जाएगा फिर क्या है? अगर नहीं उठे तो फिर क्या होगा? क्योंकि कह रहे हैं कि अभी हमें एसपी चाहिए, हमें बिजली का बिल माफ चाहिए। मांग हमारे किसानों की है बड़े भाई। राजनीति स्टंट आ जा इसमें कुछ वो नहीं है जी, उन्हें लिखित में दे दिया सब चीज है, फिर क्या दिक्कत रहेगी उन्हें उठने में? क्या दिक्कत रहेगी नु बताओ तुम? ये चुनाव है, चुनाव की उसमें बैठे इतना, चुनाव तो बाद में देख लियो। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो खाली ऐसे लड़े हुए, पहले भी चुनाव लड़ रखे, नहीं भी चुनाव लड़ रखे हुए। पंजाब वाले भी जो बैठे थे वे किसान ही हमारे भाई यार, वो उन्हें घोषित नहीं करती वहाँ वहाँ पार्टी अपनी। अच्छा तो सब चुनाव के उसमें है और कुछ इनका वो नहीं है, सब चुनाव के उस तरह चल जाए इनका, चल रहा है। जैसे एक बात ये भी है ना, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, 402 सीटों का नारा दे रही है कि 402 सीटें आ रही हैं। भाई साहब मेरा भी ख्वाब है, मैं आसमान में तो चांद तोड़ लूँ। ख्वाब तो सभी देखते हैं, जनता तय करती है किसे जिताना किसे हराना, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। लेकिन 402 का नारा तो दे सब, कहने में और करने में तो बहुत बड़ा अंतर है, ये नहीं मानते आप। आप भी सोचते होंगे ना मैं हवाई जहाज में उड़ के भी पहुंच जाऊं, पहुंचूंगा तो जब जब टिकट ले लूंगे। अभी देखते रहो क्या होता है, क्या होता है। पश्चिम की बात करें तो क्या देखते हैं पश्चिम में? बागपत की तीनों सीट तो मैं बता सकूं, तीनों पे बीजेपी जीतेगी। जाट बहुल क्षेत्र है भाई साहब, जाट बीजेपी में है, मैं कह तो रहा हूँ। आरएलडी भी है कुछ, आरएलडी ने क्या करा? कोई सा रोड बनवाया था, क्या करा था बताइए? कितने दिन सांसद रहे बताइए? राज करा? एक ये सहारनपुर वाला रोड नहीं बना था? प्रियंका गांधी भी सब मैदान में है, प्रियंका सभी आएंगे इसमें, सभी कहेंगे नो मैं जीत गया, मैं जीत गया। जीतेगा तो वो जिसे जनता जिताएगी, जिसने काम करा क्षेत्र में जी काम। अच्छा ये बताइए, 4.5 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, 5 साल अखिलेश यादव, 5 साल मायावती, इसके पहले कांग्रेस बीजेपी, क्या देखा आपने 4.5 साल के? इनमें देखो इनसे सबसे बढ़िया राज किया योगी जी ने, बिजली पानी रोड एजुकेशन सब पे ध्यान है, मेडिकल सब पे, लाइन ऑर्डर बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कहीं चले जाओ रात के 12 बजे बिल्कुल खत्म, लड़की कहीं घूमो कोई कुछ नहीं। देखिए आप गुंडागर्दी की बात करें, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि बलात्कार बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, वो तो आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वे राजस्थान में, उधर जाओ पंजाब में जाओ, उधर देखो ना आप, जब उसमें चले जाओ पंजाब में राजस्थान में जाए, इनकी सरकार है इधर चलता ही रहता है। अभी आपने गुंडागर्दी की बात की, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें गुंडागर्दी बढ़ी, गाड़ी पलटा देते हैं योगी बाबा। नहीं जो गलत करेगा तो वे तो करेंगे, वे गलत जो सा कोई गलत कार्य करेगा तो उसका तो ठीक तो करेगा इलाज। अब बुलडोजर चल रहा है, ठीक तो चल रहा है योगी जी का है, और चलता ही रहेगा, जो गलत रहेगा। लोग परेशान हो जाते हैं बुलडोजर चलने से? नहीं ठीक चले, परेशान कोई नहीं है, सब मजे में है, योगी जी सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा अभी योगी आदित्यनाथ मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने वाले हैं, उसको आप कैसे दे? आप तो पहलवान हैं। नई स्पोर्ट अच्छा रिजल्ट आओगे, वहाँ भी अच्छे तरक्की करिए, पश्चिम के भी अच्छा ही रहेगा। हरियाणा में पहले निकलते थे पहलवान कुश्ती वाले, अब तो यूपी में हमें। हाँ यहाँ भी तो लिगड़े लगे, बढ़िया मेहनत करेंगे, बढ़िया स्टेडियम दे रहे हैं, हाँ बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम। 402 अखिलेश कह रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्या सीटें कह रहे हैं अखिलेश यादव? 402 कहाँ लिख रहे, योगी जी की लिख रहे 350 कन्फर्म है? हाँ पक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ पर कुछ और है। क्या नाम है? यशपाल सिंह पूर्व प्रधान बिजरोड। अच्छा सर ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल देखते हैं? हमारे यहाँ तो माहौल तो ये तो कुछ भी है, तो किसान यूनियन का अपना अलग चल रहा है धंधा, लेकिन माहौल पूरा जो है योगी जी का है। किसान यूनियन का माहौल तो इस अगर बात करें तो वो एक साल से धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा प्रभाव है पश्चिम में। भैया हम भी एक किसान हैं, पैसा किसे नहीं चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए। अच्छा हैं, और पैसा उन्हें भी चाहिए जो वहाँ बैठे हैं। पर माहौल यहाँ योगी जी का ही है, और यहाँ पे जो विकास किया है, जो चौधरी साहब ने चरण सिंह ने नहीं किया कभी, चौधरी अजीत सिंह ने नहीं किया, चौधरी जयंत सिंह ने नहीं किया, जैसे योगी मोदी जी कहते हैं 70 साल से कोई विकास नहीं आया, वो विकास 7 सालों में सांसद सतपाल सिंह ने किया, डॉक्टर सतपाल सिंह ने किया, बीजेपी के सांसद है। लेकिन एक बताइए तो 1 साल से फिर क्यों बैठे हुए हैं? एक साल से क्यों बैठे हुए हैं फिर वो? भैया ये तो किसान है, ये तो किसान तो बैठेंगे, किसानों की तो मांग है, किसानों की तो मांग कभी पूरी नहीं हो पाओगी। अच्छा हाँ ये तो हर मांग में मैं भी एक किसान हूँ, मेरी हर मांग मुझे बहुत मांग चाहिए।
प्रधानमंत्री ने तो बिल वापस ले लिए, फिर भी बैठे हैं। नहीं बैठे रहेंगे, जन कहे मैं MSP चाहिए और दूसरा दूसरी मांग हटा देंगे। इनके फादर भी अच्छे थे, वो चार मांग और फालतू हटा देते, ये तो कुछ ना कुछ मांग हटा हो जाएंगे भाई। तो पश्चिम का अगर किसान अगर ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है वो क्या सोचता है आंदोलन को लेकर? भाई आंदोलन एक तरह से मैं आपको एक ही बात बताई है, पैसा हर किसी को चाहिए, पैसे के लिए तो हर कोई जाएगा आंदोलन में है। लेकिन वोट के मामला, वोट और आंदोलन को अलग अलग बांट दो आप, ये अलग चीज़ है। वोट अच्छा। आंदोलन के साथ नहीं है। तो राकेश टिकैत तो कहते हैं ना कि पश्चिम में बीजेपी को खाता नहीं। राकेश टिकैत को जो उसके कहेगा कचरा, उसे कितनी मिल गई वोट चुनाव में? वो बुढ़ाना विधानसभा लड़ा है भाई, अमरोहा लड़ा है, हैं? अब फिर लड़के देख लो अपने वहीं क्षेत्र में, वो तो संजीव बालियान के सामने लड़के देख लो अपने आप ही, मुझे पता लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह से अगर बागपत की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, जाट बहुल क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्रभाव कुछ ना कुछ तो होगा ना उनका? मेरे सुनो बात, यहाँ टिकेट का कोई असर नहीं यहाँ पे ना, तो देश 84 गाँव में तो है नहीं भाई, ना तो पहले था ना अब है, ना अब है, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा राधेश्याम शर्मा। शर्मा जी क्या देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहे हैं? सब कुछ योगी में है। योगी में है, अखिलेश जी 402 कह रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तो कुछ भी नहीं आया उसका, अखिलेश का कुछ वर्चा सुनी है। अच्छा, एक बात बताइए कि किसान आंदोलन चल रहा है तो क्या उसका प्रभाव देखते हैं? किसान आंदोलन कोई प्रभाव नहीं, किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, कानून वापस हो गया। अच्छा। क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं? बैठे रहना, तो ये तो दलाल बैठे सब, पहले भी दलाल के आ जाते ना, अभी दलाल आगे ज्यादा के आ जाएगा और भी। अच्छा। और देशद्रोही पार्टियां सारी जितनी बैठी देशद्रोही है। क्या नाम सर? बेनती कर ले बात, एक आधे को छोड़ भी दे ना, मैं ना। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, पश्चिम की बात करें, खासकर पश्चिम में बागपत क्षेत्र जो बड़ौत है, अगर बात करें पश्चिम में हमेशा जाट बाहुल्य माना जाता है, बुलंदशहर की बात करें वहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और पश्चिम में जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर इस समय एक बहस छिड़ी हुई है, और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से बॉर्डर दिल्ली के सीज है, करीब करीब एक साल हो गए, कल 26 तारीख थी, आज 27 तारीख है, तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम में किस तरह से आने वाले समय में क्या माहौल रहने वाला है। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।